नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस व्यवसाय एवं वित्तीय शिक्षण अभियान में। मैं रुपया हूँ, मेरा नाम रूपा है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उन्नति और विकास का रास्ता, जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं सकारात्मक बदलाव। मैं हूँ राजू। दीदी, बांस के व्यवसाय की शुरुआत में पूंजी की कमी सबसे बड़ी बाधक बन रही है। कोई बात नहीं राजू, चिंतित मत हो, वित्तीय समस्या के लिए बैंक हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अच्छा दीदी, तो बैंक किस प्रकार मेरी सहायता कर सकता है? बैंक एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य हम जैसे लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। देश दुनिया में रुपए पैसे से संबंधित सभी कार्य बैंक के माध्यम से ही होते हैं। बैंक में पैसे रखने पर वो उसे सुरक्षित तो रखता ही है, साथ ही इसके ऊपर ब्याज भी देता है। लोगों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बैंक आसान शर्तों एवं ब्याजों पर कर्ज देती है। अब तो बैंक में जनधन योजना के माध्यम से हम सभी का बैंक में खाता भी खुल गया है, जिससे कर्ज मिलना और भी अधिक आसान हो गया है। इसके अलावा भी बैंक कई तरीके से हम जैसे लोगों की मदद करती है। अच्छा। हाँ देखो, बैंक में खाते खुलवाने और पैसे जमा करने से बचत की आदत बढ़ती है। दूसरी बात, हमारी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए भी बैंक में खाता खुलवाना जरूरी है। घर में पैसा रखने से चोरी का भी तो डर होता है ना, और ऊपर से पैसे बढ़ते भी नहीं, जस के तस रहते हैं। पर अगर पैसे बैंक में जमा हैं, तो पैसा हमेशा बढ़ता ही रहता है। इसके अलावा घर में पैसे रखने से फिजूल खर्ची भी बढ़ती है। तुम्हारे सारे पैसे का हिसाब किताब बैंक के पास होगा, जाग जाग कर घर में पैसे की रखवाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक में तुम्हारा पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। हाँ दीदी, समझ गया, बैंक में खाता खुलवाना कितना जरूरी है। अब जल्दी से बताइए कि बैंक में खाता कैसे खुलवाएं और इसके लिए जरूरी कागजात क्या हैं? देखो, बैंक में खाता खुलवाने के लिए मात्र KYC डॉक्यूमेंट चाहिए, जिससे तुम्हारी पहचान हो सके, जैसे तुम्हारी फोटो, पहचान पत्र और एक आवासीय प्रमाण पत्र। पहचान प्रमाण पत्र मतलब आधार कार्ड? बिल्कुल, आधार कार्ड और इसके अलावा भी कई दस्तावेज पहचान पत्र होते हैं, जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट। लोगों की सहायता के लिए सभी बैंकों ने अपने यहाँ एक बैंक मित्र को रखा है, जो तुम्हें सारी जानकारी देगा और खाता खुलवाने में मदद करेगा। वैसे अब तो तुम्हें बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, बैंक मित्र तुम्हारे घर आकर तुमसे सारी जानकारी लेगा। देखो, बैंक में मुख्य रूप से दो प्रकार के खाते होते हैं, बचत खाता और चालू खाता। आमतौर पर बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए बचत खाते खोले जाते हैं, जबकि चालू खाता तुम्हारे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होता है। चालू खाता और बचत खाते में अंतर होता है। चालू खाते में से दिन में कितनी भी बार पैसा निकाला और जमा किया जा सकता है, और इसके लिए बैंक किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेती है। लेकिन इसमें जमा पैसे पर बैंक कोई ब्याज भी नहीं देती है। चालू खाते में जमा रकम से ज्यादा पैसा निकालने की भी सुविधा भी मिल सकती है। इस तरह का खाता अपना व्यवसाय करने वाले या फिर कंपनियां और संस्थान के लिए ज्यादा जरूरी होता है। चालू खाते से लेन देन सही रहने पर सिबिल स्कोर भी अच्छा रहता है। आजकल मोबाइल बैंकिंग का जमाना है, अपने खाता और पैसे की लेन देन की सारी जानकारी तुम्हें तुम्हारे मोबाइल पर ही मिल सकती है। अब तुम जाओ और नजदीक के बैंक जाकर बैंक मित्र से मिलो और सारी जानकारी लेकर जल्दी अपना खाता खुलवाओ। अरे दीदी, आप तो कह रही थी कि बैंक कर्ज भी देती है हमारे रोजगार को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में भी तो बताइए। हाँ बताती हूँ। देखो, बैंक हमारे रोजगार को बढ़ाने के लिए हर कदम पर सहायता करने के लिए तैयार है। बैंक से मामूली ब्याज पर कर्ज लेकर तुम बांस के व्यवसाय के लिए जरूरी चीजें, जैसे बांस, उसके औजार, मशीन या फिर जरूरत की कोई भी चीज खरीद कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हो। हमेशा याद रखना, बैंक दो तरीके से कर्ज देती है। एक तो तुम्हारे व्यक्तिगत काम के लिए, जैसे घर में कोई काम वगैरह हो, जिसे पर्सनल लोन कहते हैं, और दूसरा है तुम्हारे रोजगार को बढ़ाने के लिए, जिसे बिजनेस लोन कहते हैं।
अपने व्यवसाय के लिए तुम बैंकिंग और गैर बैंकिंग दोनों तरह की संस्थाओं से कर्ज ले सकते हो। सरकारी बैंकिंग संस्थाओं के उदाहरण हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि, और निजी क्षेत्र के बैंकों में HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक आदि हैं। इसके अलावा गैर बैंकिंग संस्था भी तुम्हें कर्ज दे सकती है, जिसमें बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस, L&T फाइनेंस लिमिटेड जैसी संस्थाएं हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों से भी तुम्हें कर्ज मिल सकता है। कर्ज के लिए तुम अपने बैंक के बचत को जमानत के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे रोजगार को बढ़ाने के लिए बैंक इसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है, जैसे कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, चेक की सुविधा और लॉकर की सुविधा। बैंक के माध्यम से तुम अपने सारे बिलों जैसे बिजली, पानी आदि का भुगतान कर सकते हो। बैंक मित्र के पास जाओ, वो तुम्हें इन सब की जानकारी देगा। हमेशा ध्यान रखना कि बैंक में बचत खाता खुलवाकर तुम बैंक के अन्य सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हो। इन सभी सुविधाओं का लाभ तुम अपने गांव के कम्युनिटी सर्विस सेंटर यानी CSC से उठा सकते हो। दीदी, आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। मैं तो जा रहा हूँ बैंक, कोई दिक्कत हुई तो फिर आऊंगा आपके पास। सिर्फ बैंक के बारे में जानने से काम नहीं चलेगा राजू, आगे तुम्हें बीमा यानी इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी, पर पहले खाता तो खुलवाओ अपना बैंक में। जी दीदी,